आदर्श स्टेडियम के पास स्थित सरकारी भवन में रविवार को दोपहर में अचानक आग लग गई। इस भवन में पहले माणिक्यलाल वर्मा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित होता था, लेकिन इस स्कूल को मर्ज कर दिया गया। इसके बाद से ही भवन खाली पड़ा था। आगे से भवन के खिड़की दरवाजे जल गए। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आदर्श स्टेडियम के पास स्थित खाली पड़े सरकारी भवन में रविवार को दोपहर में अचानक आग लग गई। आग से इस सरकारी भवन के खिड़की दरवाजे राख में तब्दील हो गए। इस सरकारी भवन के पहले माणिक्यलाल वर्मा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नेहरू नगर संचालित किया जाता था, लेकिन स्कूल समन्वयक योजना के तहत सरकार की ओर से इस स्कूल के पास ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामूबाई में मर्ज कर दिया गया। इसके बाद से ही भवन खाली पड़ा था। स्कूल के पास रहने वाले नेहरू नगर के बाशिंदों का आरोप है कि इस खाली सरकारी भवन को असामाजिक तत्वों ने अपना डेरा बनाए रखा है। ये असामाजिक तत्व इस भवन में बैठकर शराब, अफीम और स्मैक आदि का सेवन करते हैं, जिससे मोहल्ले वासियों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मोहल्ले वासियों ने आशंका जाहिर की है कि इन्हीं असामाजिक तत्वों में से किसी ने भवन में आग लगाई होगी। देख रहा था यहाँ पे धुआं बिजली लगा हुआ था, आग लगी हुई थी। हम पास आए थे, आग बहुत तेजी से बढ़ गई थी। मौके पर हमने स्कूल वाले को कॉल भी किया, जब तक वो आए नहीं, टाइम लग गया, इसलिए ताला भी तोड़ दिया। तरह थोड़ा फायर ब्रिगेड को बुलाया और पुलिस को भी बुलाकर मौके पर आए सब लोग। आग बुझाई और यहाँ पर चरस गांजे वाले भी आते, बहुत उनका भी हाथ लग रहा है मेरे को कि उन्होंने आग लगाई होगी। ठीक है, स्कूल की चाबियाँ हमारे पास थी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल थी वो सेकेंडरी आसपास वाली थी, उसमें मर्ज हो गई थी। उसके बाद ये बिल्डिंग ऐसे अबैंडन थी, यहाँ पर बच्चे तो बैठते नहीं थे। बच्चे वहाँ हमारे स्कूल में शिफ्ट हो गए, इसकी वजह से यहाँ आना जाना होता नहीं, आइसोलेटेड स्कूल था। और अचानक अभी आज संडे था तो हम लोग स्कूल में नहीं थे, घर पे थे। सूचना मिलते हम यहाँ पहुँचे और यहाँ देखा तो एक कमरा तो पूरी तरह से डैमेज हो गया है और नीचे कॉलप्स भी हो गया है, गिर गया है, और खिड़कियाँ भी जली हुई है। आगे मेन गेट ताला तोड़ना पड़ा, मैं चाबियाँ लेके आया, इतनी देर में तो आग ज़्यादा विकराल हो रही थी। सरकार की ओर से बेकार किए गए सरकारी स्कूल भवन में आग लगने की घटना के बाद मोहल्ले वासियों ने दमकल कर्मियों को इनकी सूचना दी। जानकारी मिलने पर दमकल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन भवन में लगे खिड़की दरवाजे जल गए और छत और दीवारों का प्लास्टर उखड़ गया।